देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। नमस्कार बहनों और भाइयों, आज हर कोई चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा की कुछ बात ही निराली होती है। ऐसा ही कुछ एक्स्ट्रा मिलता है इंडियन ऑयल के पेट्रोल में। जी हाँ, भट्टू कला क्षेत्र में एकमात्र इंडियन ऑयल का पंप है फतेहाबाद रोड पर सरस्वती फिलिंग स्टेशन, जहां पर लग चुकी है एक्स्ट्रा माइलेज के एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की मशीन, जिसकी विशेष खूबी है कि ये पेट्रोल आपकी गाड़ी को रखता है दुरुस्त और देता है ज्यादा माइलेज। प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल रखता है आपकी गाड़ी के इंजन को और दुरुस्त और प्रदूषण रहित। तो फिर देर किस बात की, आइए भट्टू कला क्षेत्र के एकमात्र एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले पंप सरस्वती फिलिंग स्टेशन फतेहाबाद रोड भट्टू मंडी में। भट्टू कला श्री कृष्ण प्रणामी गोवंश सेवा समिति का हुआ गठन, देवेंद्र साहू बने प्रधान। भट्टू कला श्री कृष्ण प्रणामी गोवंश सेवा समिति की रविवार को एक बैठक गो चिकित्सालय में आयोजित हुई। इस दौरान समिति की कार्यकारिणी के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें सर्वसहमति से देवेंद्र साहू को प्रधान नियुक्त किया, वहीं अर्जुन सिंह साई को उप प्रधान नियुक्त किया गया। नव नियुक्त प्रधान देवेंद्र साहू व अर्जुन सिंह ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उस पर ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हुए गो सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। देवेंद्र साहू ने बताया कि समिति की पूरी युवा टीम गो माता के बीमार अथवा घायल अवस्था के दौरान उसकी गो चिकित्सा सेवा के लिए भी उल्लेखनीय कार्य करेगी। इस अवसर पर भट्टू मंडी पूर्व सरपंच बंसीलाल, अनिल नंबरदार, तिलोकचंद जांगड़ा, शिवराम जांगड़ा, मोहन साई, पवन साई, बाल सिंह जांगड़ा, सुभाष जांगड़ा, अमित ढाका, भरत साई, सुभाष बुडानिया, सुनील माचरा, रण सिंह साई, ओम प्रकाश ठुइया, शेर सिंह, ओम प्रकाश बुडानिया, रवि साहू, कुलदीप बुडानिया, सुरेश गोस्वामी, राजेश कस्वा, नरेंद्र साहू, विनोद बाना, मंडेला गोस्वामी, भीम बेरड सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गांव मानावाली की जाखड़ स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा दो दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता हुई संपन्न। गांव मानावाली के जाखड़ स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी में दो दिवसीय नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय लड़कों व लड़कियों की खेल कूद प्रतियोगिता रविवार को सम्पन्न हुई। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर जजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा के अध्यक्षता में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में लड़कों में बिगड़ प्रथम भट्टुकला द्वितीय स्थान पर रही। वहीं लड़कियों की प्रतियोगिता में जाखड़ स्पोर्ट्स एंड डिफेंस अकेडमी की टीम प्रथम व शेखपुर दुरौली की टीम द्वितीय स्थान पर रही। हैंडबॉल में जाखड़ स्पोर्ट्स एंड डिफेंस अकेडमी प्रथम व नागपुर की टीम द्वितीय स्थान पर रही। 1600 मीटर की रेस प्रतियोगिता में निशु, रिशु तथा गीतु ने क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को व संतोष ट्रॉफी खेलकर आए मुकेश बाजिया को
पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के लेखाकार एवं कार्यक्रम सहायक पवन कुमार, एकेडमी संचालक रिसाल सिंह जाखड़, पवन कुमार जाखड़, कुलदीप, सतवीर, सुनील कुमार, सुशील, ज्योति रानी, संदीप सहित अनेक गणमान्य लोग व खिलाड़ी मौजूद रहे। गांव सरवरपुर की गौशाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा पहुंचे। गांव सरवरपुर की गौशाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के छठे दिन रविवार को मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता पूर्व संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने शिरकत की। इस दौरान कथावाचक बाबूलाल शास्त्री द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने उपस्थित गो भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए गो सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। गो सेवा सबसे उत्तम सेवा है, जिसके लिए की गई सेवा का फल अवश्य मिलता है। इसलिए गाय को गो माता कहा जाता है, जिसके दूध में भी अनेकों गुण हैं। उन्होंने कथास्थल पर लोगों के बीच में बैठ कथा का रसपान किया। इस दौरान पूर्व विधायक कांग्रेस नेता बलवान दौलतपुरिया भी पहुंचे। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। क्या कहा यहां प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने, सुने उन्हीं की जुबानी। गांव सरवरपुर की आज इस बहुत ही पवित्र धरा पे हमारी नवनिर्मित नई बनने जा रही जो गौशाला है, इसके प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा का संचालन हो रहा है और इसमें बहुत ही पूजनीय हमारे संत बाबूलाल जी कथावाचक, इनके साथ सरवरपुर गांव की सारी गौशाला की हमारी कमेटी, क्योंकि सारी कमेटी अपनी है। यहाँ पर मैं किसी का नाम लूँ, ये प्रधान है, ये सेक्रेटरी है, तो मेरा तो अपना गांव है। और यही कारण है कि मेरे को सब साथियों ने कहा यहाँ बैठे, मैं कहा यहाँ तो मेहमान आएंगे बिठाएंगे, मेरे तो खून में रस्ता है, मैं तो बैठे बैठूंगा, क्योंकि सरोवर मेरा गांव है। तो यहाँ पर उपस्थित सरवरपुर गांव बोधीवाड़ी से आए हुए साथी, दूसरे गांव से भी आए होंगे गो भगत, और गांव के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों, और भी खास तौर पे आज की इस भागवत का है उपस्थित मेरी माता शक्ति, मेरी माताओं बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि आज जो ये धार्मिक प्रोग्राम कोई भी हो, धार्मिक प्रोग्राम हमेशा ही माताओं बहनों के सहयोग से ही पूर्ण होता है और इनके सहयोग से चलता है। आज हम गौशाला के अंदर बैठे हैं, सभी के मन में गौ के प्रति जो भावना है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो छिपी नहीं, और ये खैरी की बात नहीं, ये सच्चाई है माताओं बहनों कि गौ को माता, जब माता का दर्जा हमने दे दिया तो फिर कमी क्या रहेगी। भट्टुकला में भारत विकास परिषद द्वारा मुख्य अतिथि थाना प्रभारी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को बांटे गए गर्म वस्त्र। भट्टुकला में भारत विकास परिषद द्वारा मुख्य अतिथि थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग के नेतृत्व में यहाँ रविवार को जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान फतेहाबाद रोड व इसार रोड पर कुछ जरूरतमंद लोगों को यहाँ भारत विकास परिषद द्वारा थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग के नेतृत्व में वस्त्र वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि समय समय पर जरूरतमंद को सहायता देना भारत विकास परिषद संस्था का उल्लेखनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेक कार्य में हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी चाहिए। हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें भोजन अथवा कपड़े की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को की गई सहायता बेहद पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर अनेक सदस्य मौजूद थे।